चालू करी। काजरी कर सो सुरू करायचं आहे तर सुरू करूया। हो हो सुरू करा। नमस्कार, आज सर्वांचं मी पहिल्यांदा स्वागत करतो। आपला हा 3 नोव्हेंबरला जो निर्यातक्षम आंबा उत्पादन या विषयावर वेबिनार सुरू झालेला आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी विज्ञान केंद्र सिंधुदुर्ग आणि किसान शिक्षा अभियान पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा आपण वेबिनार घेत आहोत, निर्यातक्षम आंबा उत्पादन। आणि गेले 2 दिवस आपल्याला वेगवेगळ्या तज्ञांचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पीक उत्पादन असेल, पीक संरक्षण असेल, त्याचप्रमाणे जे मँगोनेट प्रणाली आहे त्याच्या नोंदणी संबंधी विशेष मार्गदर्शन, या सगळ्या विषयांचा 2 दिवस उहापोह झालेला आहे। त्याचा पुढचा भाग आज आपल्याला इथे आपण मार्गदर्शनामध्ये बघणार आहोत। आणि त्याचातही आज विशेष निमंत्रित असे एक्सपर्ट डॉक्टर बिपिन मिश्रा साहेब, PhD ॲग्रॉनॉमी, हे महाव्यवस्थापक आहेत आणि मुख्य ॲग्रॉनॉमिस्ट आहेत यारा फर्टिलायझर्स इंडिया या कंपनीमध्ये। हे अतिशय तज्ज्ञ व्यक्तिमत्व आज आपल्याला लाभलेलं आहे, ज्यांनी अनेक वर्ष ह्या क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे। गेली 13 वर्ष ते यारा फर्टिलायझर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये काम करत आहेत, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र हायब्रिड सीड कंपनी या कंपनीमध्ये सुद्धा त्यांनी संशोधक म्हणून 5 वर्ष काम केलेलं आहे। या विषयांच्या अभ्यासाला आणि विशेष पिकांच्या नियोजनाला किंवा संशोधनाच्या बाबतीमध्ये अनेक देशांचे त्यांनी दौरे केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये कितीतरी असे देश आहेत, 18 पेक्षा जास्त सुद्धा देशामध्ये त्यांनी जाऊन या बाबतीमध्ये अभ्यास केलेला आहे। मलेशिया सारख्या देशामध्ये त्यांनी राहून 1.5 वर्ष काम केलेलं आहे। आणि असं हे अतिशय तज्ज्ञ व्यक्तिमत्व आज आपल्याला निर्यातक्षम आंबा उत्पादन वाढवण्यासाठी फवारणीद्वारे पीक संरक्षण, पीक पोषण या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत। हा एक अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे, ज्या माध्यमातून न्यूट्रिशन आणि ते सुद्धा कमी खर्च आणि सोयीनुसार जास्त परिणामकारक कसं करता येईल ह्या दृष्टीने आज त्यांच्या मार्गदर्शनातून आपल्याला ज्ञान मिळणार आहे। आज या वेबिनारमध्ये सन्माननीय डॉक्टर बिपिन मिश्रा साहेब यांचं मी कृषी विज्ञान केंद्र सिंधुदुर्ग आणि किसान शिक्षा अभियानतर्फे हार्दिक स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे आज आपल्याला या वेबिनारमध्ये उपस्थित असलेले आणि या वेबिनारचे मुख्य समन्वयक आणि आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय डॉक्टर उद्यानश्री प्रकाशराव कुलकर्णी साहेब यांचं पण मी स्वागत करतो। किसान संवादची सगळी जी टीम आहे त्यांचं स्वागत करतो। या वेबिनारला वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी असतील, मीडियाचे प्रतिनिधी असतील, संशोधक असतील, युनिव्हर्सिटीतले शास्त्रज्ञ असतील, विद्यार्थी आणि आंबा बागायतदार शेतकरी बंधू भगिनी या सर्वांचं मी या वेबिनारमध्ये कृषी विज्ञान केंद्र सिंधुदुर्ग आणि किसान शिक्षा अभियानतर्फे स्वागत करतो। आणि पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करून मी डॉक्टर बिपिन मिश्रा साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी। धन्यवाद। फक्त ते हिंदी मध्ये बोलतील बर का? जी मैं हिंदी में बोलूंगा और इसके लिए एक जरूर कष्ट होगा थोड़ा बहुत हमारे जो किसान भाई हैं। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं आराम से सही भाषा में मैं बता पाऊं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद किसान शिक्षा अभियान का कि आपने यारा को आपने इस मंच से अपनी बात रखने का, अपने ज्ञान को साझा, नॉलेज को साझा करने के लिए आपने हमें मौका दिया।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर काजरेकर, उद्यान श्री प्रकाश कुलकर्णी जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ पर्सनल कंपनी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी कि आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किसानों के साथ नॉलेज साझा शेयर करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं आज जो मैंगो ग्रोवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो भी सेशन हो रहे हैं हम मुझसे पहले भी जो सेशन कराए गए उनसे काफ़ी लाभ हुआ होगा। और आज जो मैं अपना थोड़ा बहुत जो ज्ञान नॉलेज है वो मैं शेयर करूंगा, उससे भी आपको जरूर लाभ होगा। तो धन्यवाद। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है मैं शेयर करता हूँ। जी, तो जैसा कि मुझे जो जानकारी मिली कि वास्तव में जो जी स्लाइड शो कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ओके, फुल स्क्रीन। हाँ कि मैंगो जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है अगर हम भारतवर्ष की बात करें। बहुत ज्यादा हमारे जो ग्रोवर्स हैं, बहुत सारे ग्रोवर्स की इकोनॉमी मैंगो के ऊपर निर्भर करती है और बहुत सारे चैलेंजेज हैं इस क्रॉप के अंदर और अपॉर्चुनिटी भी हैं। तो आज अगर जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज में कि क्या बेसिक जो हैं रीजन्स हैं और उनके ऊपर क्या हम आपको गाइड कर सकते हैं, क्या उनको जो है किस तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, तो उसके विषय में ये जो आगे का जो सेशन है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको यारा के बारे में भी जानना आवश्यक है क्योंकि यारा जो है, यारा क्या कर रही है, किस तरीके से काम करती है, आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है, उसके बारे में यारा का बैकग्राउंड आपको समझना बहुत आवश्यक है। यारा 115 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी का जो जन्म हुआ था वो यूरोप में एक छोटा सा देश है नॉर्वे, वहां पर हुआ था। और किसी एक पर्टिकुलर जो समस्या थी उस समस्या को जो है सॉल्व करने के लिए ये कंपनी का जो है ये कंपनी अपने अस्तित्व में आई थी। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री में पता चलेगा कि लगभग 1901-1902 में इंटायर जो यूरोप है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के केस के कारण जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। प्रोडक्शन बहुत शार्पली डिक्लाइन कर रहा था और उस समय वास्तव में किसी को ये पता नहीं था कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं या जो परेशानियां हो रही हैं इनका कारण क्या है। और इसी कारण को जो है जब ढूंढा गया तो पता चला कि जमीन में एक बहुत आवश्यक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जिसकी कमी हो रही है और जिसका जो है जमीन में डालना या फसल में जो यूज करना बहुत आवश्यक है। और वो जो तत्व मतलब न्यूट्रिएंट जो पता चला वो नाइट्रोजन था। तो नाइट्रोजन पता चल गया कि नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन नाइट्रोजन को जमीन में डाला कैसे जाए, तो इसको डालने के लिए तीन व्यक्तियों के द्वारा प्रयास किया गया। और उन्होंने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आप सबको पता होगा वातावरण में लगभग 80% नाइट्रोजन होती, उस नाइट्रोजन को उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के द्वारा कलेक्ट किया और उसको जो है जो लाइम स्टोन होता है उससे उसका रिएक्शन कराया। और 5 दिसंबर 1905 को पूरे विश्व को जो केमिकल फर्टिलाइजर जिस जो जमीन में डाला जा सकता था, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता था, उसको देने के लिए एक फर्टिलाइजर तैयार किया और उस फर्टिलाइजर का नाम कैल्शियम नाइट्रेट था। उस प्रोडक्ट से और उस दिन से इस कंपनी का जो है जन्म हुआ और तब से लेके आज तक कंपनी बराबर विश्व के कई सारे देशों में काम करती है और क्रॉप न्यूट्रिशन पे ही काम करती है। ये यारा जो है कोई सीड एग्रोकेमिकल्स इनके जो है कारोबार में अपनी डील नहीं करती है। जो टोटल एक्सपर्टीज है, टोटल बिजनेस है, वो आपका क्रॉप न्यूट्रिशन का ही है। लगभग आज के समय में अगर हम बात करें तो लगभग 160 देश ऐसे हैं जहां पे यारा अपने फर्टिलाइजर का जो है कारोबार करती है। और इसमें जो आपके लिए एक बहुत आवश्यक चीज है जिसको मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि
अगर 1160 देश में काम करती तो इसमें जो हमारे जो ग्रोवर्स हैं, जो जो यहाँ पे जो है मैंगो कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या बेनिफिट है? उनके लिए इसका ये बेनिफिट है, क्योंकि मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो या आम हम जिसको बोलते हैं, आम हमारा केवल भारतवर्ष में ही नहीं होता है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे आम की खेती बहुत बड़े स्केल पे करी जाती है। यारा इंडिया में जरूर पिछले 10-11 साल से काम कर रही, लेकिन विश्व में 115 साल से काम कर रही। जो दूसरे आम के उत्पादक राज्य हैं, देश हैं, वहां पे यारा पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, और उसको आम के बारे में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आम के क्या चैलेंजेस हैं, और उसमें यारा किस तरीके से समाधान दे सकती है, उसके बारे में यारा को बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ नॉलेज है। तो इस तरीके से हम आपको जो है लाभान्वित कर सकते हैं। जो बाहर की प्रैक्टिसेस हैं, जो बाहर की अच्छी चीजें हैं, वो हम आपके पास तक पहुंचा सकते हैं और आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि केवल भारतवर्ष में, इंडिया में ही जो है आम की खेती नहीं करी जाती। आम बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे देश यहाँ पे दिख रहे हैं, इंडिया से लेके छोटे बड़े, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, आपका क्यूबा, बहुत छोटे 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 देश और बड़े देश, बहुत सारे देशों में जो है आम की खेती करी जाती है। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें कि वास्तव में भारतवर्ष का क्या सिनेरियो है, हमारे यहाँ पे आम की क्या स्थिति है, तो लगभग जो है आपका 45.3% जो ग्लोबल एरिया है मैंगो का, वो भारतवर्ष में पाया जाता है। बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े एरिया में जो है आम की खेती होती है, और बहुत बड़ा जो है स्टेक शेयर जो है प्रोडक्शन में भारतवर्ष का है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे, जिनके कंपेरिजन में भारतवर्ष में खेती जो है आम की बहुत बड़े स्केल पे करी जाती, बहुत बड़े स्केल पे उत्पादन होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट देखें, जहाँ पे वास्तव में हम बहुत बड़ा शेयर ले सकते हैं और हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इस क्रॉप को एक बहुत हाई वैल्यू की क्रॉप के उसमें जो है हम ग्रो कर सकते हैं, वहां पे हम बहुत वीक हैं। क्यों वीक हैं? क्योंकि जो क्वालिटी चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी चाहिए, जो सेल्फ लाइफ चाहिए, या जो दूसरे और पैरामीटर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट में डिमांड किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे जो है हमारी लिमिटेशंस है, हमारे पास में वो उतनी बढ़िया क्वालिटी हम नहीं पैदा कर पाते हैं, हमारी उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं निकल के आ पाती है, जिससे हम एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो है बहुत सारे देश, मतलब आपके स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंगो आम की खेती करी जाती है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया है, लगभग 341,000 हेक्टेयर जो है आपका आंध्र प्रदेश में आम का एरिया है। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा जो है आम उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य है आम का। तो इस तरीके से कई सारे जो है राज्य हैं जहाँ पे मैंगो की जो है आम की खेती करी जाती है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ बहुत अच्छी वैरायटी जो है, जिस अल्फांजो जो है उसको आप ग्रो करते हैं, जिसका यूरोपियन मार्केट में एक अपना शेयर भी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी उसकी, उसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपका जो है एक्सपोर्ट अगर जो भी इंडिया से जो मतलब होता है, उसमें आपका काफ़ी बड़ा मतलब योगदान है। अगर आम के बारे में थोड़ा सा जानने की ये बात करी कि आम है क्या, तो कुछ इसके बारे में जानकारी, बहुत ज़्यादा मैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ के आपको नहीं बताने वाला हूँ कि मतलब, क्योंकि इससे एक जो हम विशेष हमारी जो चीज़ें हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, उससे कहीं हमारा जो है इसमें टाइम समय जाएगा। लेकिन मैंगो जो है आपका जो है कई सारी इसके मतलब कह लीजिए जो फ्रूट साइज किस तरीके से, फ्रूट मैच्योर क्या हो किस तरीके से होता है, बॉटनिकल नेम इसका क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत सारी स्पीसीजेज हैं इसके अंदर, सीड और ग्राफ्टिंग दोनों के द्वारा जो है इसका उसका प्रोपोगेशन हो सकता है, इसको लगाया जा सकता है। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो मैं जिस इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट की रिक्वायरमेंट की बात करूँ, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा जो वास्तव में जो हमारे जो चैलेंजेज हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो आपको जो बेस्ट सोल्यूशन चाहिए या बेस्ट आप मतलब आपको जो जानकारी पहुँचनी चाहिए उस यहाँ से जो हम आपको उसके ऊपर लेके चल रहे हैं कि
मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम एक्सपोर्ट में वीक हैं तो हम क्यों वीक हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए, अच्छा पेस्टिसाइड चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा प्राइस चाहिए, उसी तरीके से जो आपका कंज्यूमर है, जो आपके प्रोड्यूस को खरीदता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपके आपका जो आम है उसमें क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपका आम किस तरीके से होना चाहिए, तो आपका आम के अंदर फर्मनेस होनी चाहिए। फर्मनेस मतलब आपका जो है शेप बिल्कुल प्रॉपर अच्छा अच्छा जो है उसमें फर्म होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए उसके अंदर, साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए, शेप उसका प्रॉपर होना चाहिए, कलर उसका अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आम जो है आपका आपका जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लेमिसेस होते हैं, डिजीजेस होती हैं, उनसे फ्री होना चाहिए। अगर हम ब्लेमिसेस और डिसऑर्डर्स की बात करें तो बहुत सारे ब्लेमिसेस और डिसऑर्डर्स आम के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो गया, पील डिसऑर्डर हो गया, स्पॉन्जी टिश्यूज हो गए, बहुत सारे जो आपका क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपका शेप जो है प्रॉपर नहीं आता है, तो बहुत सारे जो है ब्लेमिसेस और डिसऑर्डर्स होते हैं जो फ्री हों। जितना आपका जो है आम आपका इन ब्लेमिसेस और डिसऑर्डर्स से फ्री होगा, उतना ज़्यादा जो है आपकी जो है मार्केट उसको अट्रैक्ट करेगा और आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, और आप एक अच्छा जो है मार्केट क्रिएट कर पाएंगे, एक अच्छा कंज्यूमर बेस जो है उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। अगर की प्रिवेलिंग इश्यूज की हम बात करें कि वास्तव में क्या क्या चैलेंजेस हैं आम के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो मेन चैलेंजिंग इशू है वो क्या है कि पुअर फ्लावरिंग और फ्रूट सेट, कि हमारा जो फ्लावरिंग है और फ्रूट सेट है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। जिस हिसाब से हमारा प्लांट का जो ट्री का वीगर होता है, उस हिसाब से उस पर जो पोटेंशियल होना चाहिए फ्लावरिंग और फ्रूट सेट का, वो शायद हमको जो है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करता है। उतनी विग्रस फ्लावरिंग और उतना विग्रस फ्रूट सेट नहीं होता। अगर होता भी है तो उससे क्या होता है कि आपका एक्सेसिव ड्रॉपिंग होती है, बहुत ज्यादा फ्लावर और बहुत ज्यादा फ्रूट जो है वो गिर जाता है, आता है लेकिन उसको प्लांट रिटेन नहीं कर पाता है। रिटेन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि अगेन प्लांट की एक सर्टेन कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी से ऊपर अगर उसके ऊपर हम लोड डालेंगे और उसको उस लोड के अकॉर्डिंग हम उसका जो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं करेंगे, या जो दूसरे रख रखाव हैं, जो दूसरे प्रबंध हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, वो हम नहीं करेंगे, तो शायद हम जो डिजायर्ड या रिक्वायर्ड कह लीजिए हमको जो जितना फ्लावर और फ्रूट होना चाहिए प्लांट के ऊपर, प्लांट रोक सकता है, उसको हम रोक पाने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और वो हमारा ड्रॉपिंग हो जाती है। अनसिंक्रोनाइज फ्लावरिंग रहती है इसमें, कि आपका मान लीजिए फ्लावरिंग जब शुरू होती है तो काफी लंबे समय तक फ्लावरिंग रहती है, और उसके हिसाब से जो है आपका फ्रूट सेटिंग होती है, ये भी जो है आपकी जो है प्रॉब्लम्स इसमें रहती। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है, या आपका जो पील डिसऑर्डर्स हैं, क्रैकिंग की प्रॉब्लम है, सेल्फ लाइफ है, ये जो है आपके जो है डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा जो है मैंगो के अंदर, तो ये भी एक हमारा इश्यूज है। आपका ऑफ एंड ऑन ईयर बेरिंग, कि आपका एक साल जो है फल आता है, एक साल फल जो है या तो बिल्कुल भी नहीं आता है, या कहीं कहीं जो नई वैरायटीज आ रही है, या कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूव प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो कुछ बहुत मिनिमम लेवल तक जो है फार्मर कहीं उस पर कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन अभी भी अगर जो मेरा अपना नॉलेज है, उस अगर नॉलेज की मैं बात करूं, तो मैंगो जो है वो 100% आज के समय में ऑफ ईयर और ऑन ईयर बेरिंग के केस मतलब की समस्या से जो है ऑल ओवर इंडिया जो है वो मतलब उसको जो है वो फेस कर रहा है, कि एक साल फल आता है जिसको हम अल्टरनेट बेरिंग भी बोलते हैं, और एक साल फल जो है नहीं आता है। एक और पॉइंट है कि आपका जो डिजीज और पेस्ट जो प्रेशर है वो आपके पौधे के ऊपर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, आपका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, वो आपका जो है जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है, या आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्लांट के ऊपर जो इम्यून सिस्टम है वो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे, और प्लांट जो है जो इट्सेल्फ उसकी जो रोग और बीमारी या कीड़ों को जो टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है वो आपको नहीं मिलेगी, और वो नहीं मिलेगी तो आप कभी भी डिजीज और जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको उनके उनके अटैक को आप कम नहीं कर पाएंगे, उनके प्रेशर को आप कम नहीं कर पाएंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है।
कि आपका जो दिन प्रतिदिन साल दर साल जो खर्चा है आपका प्लांट प्रोटेक्शन पे वो बढ़ता जा रहा है, और आपकी अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल अच्छी अच्छी दवाइयां जो हैं वो आपकी बीमारियों को जो है कंट्रोल करने में एक साल दो साल तो सक्षम रहती हैं, और उसके बाद में उनकी जो सक्षमता है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट इटसेल्फ टॉलरेंस कैपेसिटी, इम्यून सिस्टम उसका वीक रहता है, टॉलरेंस कैपेसिटी उसकी पुअर रहती है, जिसके कारण जो दवाइयां हैं अच्छी अच्छी दवाइयां अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल उनके भी जो है अच्छे रिस्पॉन्स आपको नहीं दिखाई देते हैं। अगर अल्टरनेट और इरेगुलर बेयरिंग की बात करें हम इसमें आम में, तो आपका आप जानते हैं इसमें कि एक साल आपका फल आता है एक साल फल आपका नहीं आता है। और अगर इसके हम कॉजेस की बात करें कि इसके कारण क्या हैं, तो इसका कोई एक कारण नहीं है, और ऐसे भी कारण नहीं है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते या जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आप इन्वायरमेंटल फैक्टर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें अगर जो की इसके फैक्टर्स हैं अगर उनकी मैं बात करूं तो आपको वैरायटी जो है वो बहुत बड़ा इसका जो है रोल प्ले करती है। वैराइटल जो है इशू जो अगर आपके पास में वैरायटी इस तरीके की हैं जहाँ पे मतलब कह लीजिए कि उनकी उनकी जो जेनेटिक्स है वो उसको सपोर्ट करती है, तो एक आपको ये इशू है। दूसरा आपका इनसफिशियंट एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप सफिशियंट न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, जो एनर्जी प्लांट कंज्यूम कर रहा है अपने प्रोडक्शन में फ्लावरिंग में फ्रूटिंग में, अगर उसको आप रिफिल नहीं करेंगे तो आप जो है अल्टरनेट बेयरिंग को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर न्यूट्रिशन को आप बैलेंस नहीं करेंगे तब भी आप जो है इस समस्या को जो है आप खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इम्बैलेंसिंग आपका कैल्शियम पोटेशियम की इम्बैलेंसिंग, नाइट्रोजन और पोटास की इम्बैलेंसिंग, बोरान करना डालना, जिंक करना डालना, जो दूसरे अन्य आवश्यक जो है प्राइमरी सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको सही समय पे सही मात्रा में सही अवस्था पे जो है ना डालना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आपके हैं कि आपकी जो क्लाइमेट है या जो दूसरे और जैसे क्लाइमेटिकल जो इशूज हैं वो भी एक इश्यूज हैं, और आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे आपका प्रूनिंग करना, इरिगेशन प्रैक्टिसेस, प्लांट प्रोटेक्शन, तो ये भी जो है आपके की फैक्टर्स हैं आपके अल्टरनेट बेयरिंग का जो इश्यूज है उसके कारण। अगर यहाँ पे केवल एक ही फैक्टर की बात करी जाए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो वास्तव में क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी वैरायटी के ऊपर जो है जो विभिन्न एजेंसीज हैं गवर्नमेंट्स हैं गवर्नमेंट जो हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो काम कर सकते हैं अच्छी वैरायटियां इस तरीके के जिनके अंदर अल्टरनेट बेयरिंग की समस्या कम हो या हम खत्म करी जा सकती है, उस तरीके के जर्मप्लाज्म डेवलप की जा सकते हैं। न्यूट्रिशन सफिशियंसी और बैलेंसिंग दोनों हमारे हाथ में है, हम उस पर काम कर सकते हैं, और प्रूनिंग इरिगेशन प्लांट प्रोटेक्शन उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं अगर इस मतलब अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर जो दूसरे जो जहां पे जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे इसको किस तरीके से करते हैं, इस पे बेसिकली क्या जो है मतलब कह लीजिए कि आपका इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो रेगुलर प्रूनिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो वहां पे इस समस्या को कम करने के लिए जो है फार्मर्स करते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपका जो है बहुत उनका स्ट्रांग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर वो ध्यान देते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जब अभी आगे आपकी कुछ अगली जो स्लाइड्स हैं उसमें जब मैं आपसे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि वास्तव में आम को क्या जरूरत होता है, कितना उसको नाइट्रोजन लगता है या कितना उसको दूसरे अन्य तत्व लगते हैं, तब आपको ये जरूर समझ में आएगा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे आपके जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें गैप्स हैं। पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है कि आप पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इन जनरल जो हमारे जनरल किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि जब तक उनके पौधे के ऊपर प्लांट के ऊपर फल रहते हैं फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, तब तक वो अपने प्लांट की पूरी केयर करते हैं, लेकिन एक बार हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद में वो प्लांट को बिल्कुल भी मतलब जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद में वो प्लांट को तभी वो देखते हैं जब उनको अगले साल या अगले जो है सीजन में जब उनको जो है क्रॉप लेनी होती है,
जबकि पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो होता है वो जितने भी पेरेनियल ट्रीज हैं, बहुवर्षीय जिनको हम बोल मतलब प्लांट बोलते हैं, जो एक बार लगाने के बाद में कई साल तक जमीन में रहते हैं, उन ट्रीज के लिए जो सबसे बड़ा जो मतलब फैक्टर्स है वो पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। कि अगर आप हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो प्लांट की एनर्जी कंज्यूम हुई है, अगर उस एनर्जी को आप फिर से रिफिल नहीं करेंगे तो प्लांट जो है आपको आगे आने वाले साल में जो रिक्वायर्ड यील्ड है या रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो देने में सक्षम नहीं रहेगा। फार्मर जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट 2% प्लस नेप्थिलीन एसिटिक एसिड 40 ppm का, या पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 1% प्लस पोटेशियम नाइट्रेट 1%, ये अक्टूबर में उनकी जो है प्रैक्टिसेस ये भी करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं, जिससे भी ये जो है अल्टरनेट बेरिंग जो है उसको मिनिमाइज करने में उनको हेल्प मिलती है और वो जो है बेरिंग को जो है इंड्यूस करने में सक्षम हो पाते हैं। और जो इरिगेटेड ऑर्चर्ड है वहाँ पे सॉयल ड्रेंचिंग जो है आपका पेकोलो ये ब्यूट्राजोल 1 ml, इसका जो है कि इसमें आप कैनोपी एरिया इस हिसाब से जो है, ये कई सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जब मुझे पता चला कि आपके यहाँ पे मतलब हमको मतलब हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, तो हमने जो हमारे जो दूसरी कंट्री हैं जहाँ पे लोग अल्टरनेट बेरिंग को मैनेज करते हैं, वहाँ से हमने ये उनसे इंफॉर्मेशन मांगी, नॉलेज उनसे हमने मांगा कि आपके यहाँ पे इसको इस समस्या को करेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप लोग वहाँ पे फार्मर्स को एडवाइस करते हैं, तो ये प्रैक्टिसेस वहाँ पे उन लोगों ने हमसे शेयर करी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये आपको चाहिए होंगी तो हम आपको बाद में भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप इनको ट्राई कर सकते हैं और इनसे जो बेनिफिट हैं वो आप ले सकते हैं। अगर हम कुछ कंपेयर करें कि जो दूसरे देश हैं, जैसे आपका ब्राज़ील है जहाँ पे बहुत बड़ा एकरेजेज है आपका मैंगो के अंदर, हमारे यहाँ जो मैंगो है, अगर वहाँ पे जो अच्छा उत्पादन होता है और हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है, हमारे यहाँ जो कम उत्पादन होता है, उसके बेसिकली क्या रीजन्स हैं, तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी मैंगो जो ऑर्चर्ड्स हैं वो लगभग जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम पे हैं। आपका मतलब कह लीजिए कि जो काम चलाऊ जो फार्मिंग होती उस पर जो प्रैक्टिसेस होती उस पर हम जो है अपने ऑर्चर्ड्स को रखते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पे क्या है, लगभग 40% जो है मैंगो प्रोडक्शन एरिया जो हाईली इंटेंसिफाइड आपका इरीगेशन सिस्टम पे वहाँ पे है, कि कब प्लांट को कितना वाटर चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ऊपर से फोलियर करके दे सकते हैं या नीचे से ड्रिप से देना है, या नीचे जो है किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में देना है, वो वहाँ पे उनके पास में इस तरीके से जो सुविधाएं हैं और अपने ऑर्चर्ड्स को इस तरीके से वो मैनेज करते हैं कि रिक्वायर्ड स्टेज पे जो रिक्वायर्ड वाटर की क्वांटिटी है उसको वो सप्लाई कर पाते हैं। आपका जो है उनका वेल डेवलप्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि प्लांट को फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक और हार्वेस्टिंग के बाद में क्या क्या न्यूट्रिएंट देने चाहिए, कब कब देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए, किस रूप में देने चाहिए, किस सोर्स से देने चाहिए, उनका एक पूरा प्रॉपर शेड्यूलिंग है और वो शेड्यूल से जो है वो अपना जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। जबकि हमारे यहाँ लेस डेवलप्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिसेस है। अगर हम यूपी जैसी मार्केट में बात करें, यूपी जैसे एरिया में बात करें जहाँ पे भी बहुत बड़ा एकरेजेस है आपका मैंगो का, यहाँ पे तो बिल्कुल भी मैनेजमेंट मतलब फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस नहीं है। फार्मर कभी कुछ डाल देता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो है वो जनरली फार्मर कुछ भी नहीं डालता है फार्मर्स में अपने मैंगो, अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें। आपका जो अगर बाहर की बात करें तो उनके पास में प्लांटिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छी मतलब कह लीजिए न्यू जनरेशन का है, और हमारे यहाँ पे जो है आपका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो अभी भी वही पुरानी जो वराइटीज़ हैं उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं, जिनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब विगर तो है, ट्री तो बहुत विगरस हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल होना चाहिए वो पोटेंशियल नहीं है। जो मैनेजमेंट अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग आपका इसमें, या जो है प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, वो भी जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम अपने यहाँ की बात करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे भी पीछे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए जो आज के समय में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम इतना उत्पादन लें, ये क्वालिटी हम पैदा करें, तो उसके हिसाब से जो है हमारा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है।
अगर पेरिनियल आपका, आप जानते हैं कि आपका जो मैंगो है, मैंगो पेरिनियल ट्री है, एक बार लगाते हैं तो आपका 20 साल 50 साल तक जो है प्लांट जो है आपका रहता है, जिंदा रहता है। और इसकी जो कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या है कि यहाँ पे जो है रिसाइकलिंग को हमको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी डालते हैं, मान लीजिए आप जो भी डाल रहे हैं, आपका जो भी आपका प्रून प्लांट्स होते हैं, लीफ फॉल होता है, फ्रूट फॉल होता है, फ्लावर फॉल होता है, तो उससे भी जो है बहुत बड़ा जो है न्यूट्रिएंट का जो है पार्ट वो प्लांट को जो है रिसाइकिल होता है, मिलता है, और इसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज है कि अगर आम पेरेनियल ट्री है, उसका इतना बड़ा इतना विग्रस ट्री है, उसका जो है तना है, उसका रूट सिस्टम है, तो उसमें आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर आप दिसंबर जनवरी में आप फ्लावरिंग लेने जा रहे हैं तो आपको जो फ्लावरिंग की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, स्पेशली न्यूट्रिएंट की, तो वो आप फरवरी में या जनवरी में ही डाल के उसको आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट, जब प्लांट का सिस्टम उडी होता है, बड़ा विग्रस सिस्टम होता है, तो प्लांट जो भी आप जमीन में डाल रहे हैं उसको नीचे से लेके ऊपर ले जाने में, अपनी रूट से उसको ले जाके ऊपर जहां पे जो कंज्यूमिंग जो पार्ट होते हैं, जहां पे वो न्यूट्रिएंट कंज्यूम होते हैं, वहां तक ले जाने में उसको काफी टाइम लगता है। और इसीलिए जो है जो बात करी जाती है कि आप पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, तो वो जब पोस्ट हार्वेस्ट पे न्यूट्रिशन डाला जाता है, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट किया जाता है, तो प्लांट अपने अंदर उसको स्टोर करता है, अपनी छाल में स्टोर करता है, अपने ट्रंक में स्टोर करता है, अपनी रूट्स में स्टोर करता है, अपनी लीव्स में स्टोर करता है। और जब आगे अगले साल जब हमारा जो है फ्लश आता है, फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है, तो जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिमोबिलाइज होते हैं और प्लांट की जो उस समय की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। अगर इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या मतलब जो है पेरेनियल ट्रीज की जो है क्या ग्रोथ साइकिल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज से जस्ट पहले की जो स्टेज होती है, उस स्टेज तक प्लांट की जो डिपेंडेंसी होती है न्यूट्रिएंट की, वो उसके अंदर जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं उसके ऊपर होती है। आप जो भी डाल रहे हैं जमीन के अंदर, उससे प्लांट अपने अपनी जो है फ्रूट सेट या फ्लावरिंग को जो है कोई भी न्यूट्रिएंट सपोर्ट नहीं कर पाता। वो जो आप अभी डाल रहे हैं इस पे, जब आपका जो फ्लावरिंग शुरू होने पे या फ्रूटिंग शुरू होने पे जो न्यूट्रिएंट आप डालते हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो होता है प्लांट को, वो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज के बाद से होना चालू होता है। और फ्रूट डेवलपमेंट से स्टेज की जो पहले की जो अवस्था है, फ्रूट सेट स्टेज है या फ्लावरिंग स्टेज है, उस स्टेज को फीड करने के लिए हमारे प्लांट के ट्री के अंदर सफिशियंट स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं है तो आपका फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपका फ्रूट सेट प्रॉपर नहीं होगा, आपका अगर फ्लावर फ्रूट अगर फ्रूट जो है आपका फ्लावरिंग आती भी है, फ्रूट सेटिंग हो भी होती भी है, तो उसका जो है एक्सेसिव उसकी ड्रॉपिंग होगी और आपका जो है ट्री उसको रिटेन कर पाने में सक्षम नहीं रह पाएगा। अगर इसमें रिक्वायरमेंट की बात करें कि मैंगो को लगता कितना है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास में डेटा भी है कि अगर आप 1 टन आम का उत्पादन करते हैं, 1000 किलो अगर आम फल का उत्पादन करते हैं, तो 1000 किलो आम का उत्पादन करने के लिए प्लांट जो होता है वो लगभग 1 किलो 580 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करता है, खर्च करता है, लगभग 450 ग्राम वो फास्फोरस को जो है रिमूव करता है, लगभग 2 किलो 220 ग्राम पोटास को रिमूव करता है, लगभग 0.5 किलो कैल्शियम को जो है रिमूव करता है, लगभग 310 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम को रिमूव करता है, लगभग 130 ग्राम जो है सल्फर को रिमूव करता है। और ये रिमूवल उसका केवल एनपीके या कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर तक ही लिमिटेड नहीं है, ये रिमूवल जो है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट पे भी जो है उतना ही अप्लीकेबल है जितना प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पे। उसको बोरान भी लगता है, कॉपर भी लगता है, फेरस भी लगता है, मैग्नीज भी लगता है, मोलिब्डेनम भी लगता है, जिंक भी लगता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको वास्तव में समझनी चाहिए। पहली चीज, हमने आपसे केवल एक ही प्रोडक्शन की बात करी, 1 टन, लेकिन उस 1 टन जब हम प्रोडक्शन की हमने बात करी तो प्लांट जो है आपका जो ट्री है उसकी रिक्वायरमेंट केवल यूरिया डीएपी पोटास की नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की भी है
और उसकी रिक्वायरमेंट बोरान, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और क्लोरीन की भी है। इसका मतलब है कि प्लांट को, ट्री को अगर आप प्रोडक्शन पोटेंशियल पे आपको लेके जाना, उसकी क्वालिटी आपको हार्वेस्ट करनी है, तो आप केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पे अपने आप अपने ट्री को सर्वाइव नहीं करा सकते। आपको सारे, अगर उसको सारे न्यूट्रिएंट वो खर्च कर रहा है जमीन से, तो आपको सारे न्यूट्रिएंट जमीन में डालने पड़ेंगे। दूसरी चीज है यहाँ पे जो आपको आपको समझनी बहुत आवश्यक है, वो ये है कि प्रोडक्शन का टारगेट एक है, एक टन, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट न्यूट्रिएंट की वो डिफरेंट है। जितना उसको नाइट्रोजन लग रहा है उतना उसको फास्फोरस नहीं लग रहा है, जितना उसको फास्फोरस लग रहा है उससे ज्यादा उसको पोटास लग रहा है, उससे जितना उसको जो है फास्फोरस लग रहा है उससे ज्यादा उसको कैल्शियम लग रहा है, उसको मैग्नीशियम भी लग रहा है। अलग अलग न्यूट्रिएंट एक ही प्रोडक्शन के लिए प्लांट की रिक्वायरमेंट में अलग अलग रहते हैं। अगर हमारा पोटास उसको सबसे ज्यादा लगता है तो हमको पोटास का ध्यान देना पड़ेगा, पोटास का एप्लीकेशन करना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर उसको फास्फोरस से ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती तो हमको कैल्शियम डालना पड़ेगा, कैल्शियम हमको फास्फोरस से ज्यादा जो है प्लांट को सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो प्लांट फिर वो क्वालिटी, पीड डिसऑर्डर, ब्लैक टिप, स्पॉन्जी टिश्यूज, क्रैकिंग या सेल्फ लाइफ, इसकी हम बात नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन की हम बात नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी की हम बात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दो स्लाइड्स हैं, स्पेशली यहाँ पे दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपके प्लांट को अगर आप बेहतर उत्पादन निकालना चाहते हैं, बेहतर क्वालिटी निकालना चाहते हैं, तो आपको जो हम 17 तत्वों की बात करते हैं, 17 तत्वों को आपको प्लांट को उपलब्ध कराना पड़ेगा। दूसरी चीज है, जिस न्यूट्रिएंट की प्लांट को जिस रेशियो में जरूरत है, हमको उस रेशियो के बारे में जो है अपने न्यूट्रिएंट शेड्यूल को मैनेज करना पड़ेगा। अगर पोटास ज्यादा लगता है तो पोटास ज्यादा डालना पड़ेगा, अगर फास्फोरस ज्यादा लगता है तो फास्फोरस ज्यादा डालना पड़ेगा, और कैल्शियम ज्यादा लगता है तो कैल्शियम ज्यादा डालना पड़ेगा। उसके बाद में है कि जो अलग अलग जो पौधे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या पौधे के जो अलग अलग जो कह लीजिए जो स्टेजेस होती हैं, या पौधे के पार्ट्स होते हैं, वहां पे कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, उनका बारे में भी आपको बहुत जानना आवश्यक है। सबसे पहले अगर हम फोलियज की बात करें कि प्लांट के ऊपर पत्तियां कितनी होंगी, पत्तियों का कलर कैसा होगा, पत्तियों का साइज कैसा होगा, तो यहाँ पे जो है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, ये हमारे बहुत क्रिटिकल न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का हम ध्यान नहीं देंगे तो जो प्लांट के ऊपर जो फोलियज होना चाहिए, पत्ते का जो कलर होना चाहिए, पत्ते की जो शाइनिंग होनी चाहिए, पत्ते का जो साइज होना चाहिए, वो हम नहीं ले पाएंगे, वो हम नहीं दे पाएंगे। और ये जब नहीं होगा तो प्लांट के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो प्रॉपर नहीं होगी, और आपका जो फल का वेट आना चाहिए, फल के अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए, जो उसके अंदर मिठास आनी चाहिए, वो मिठास उसके अंदर नहीं आएगी। अगर आप फ्लावरिंग की बात करते हैं कि फ्लावरिंग अगर हमें बेहतर चाहिए तो फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरान, जिंक, ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिनका फ्लावरिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट आप लिमिट करेंगे तो आपकी फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होगी, और अगर फ्लावरिंग हो भी जाएगी तो आपको फ्रूट सेटिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपका फ्रूट एबॉर्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए बोरान प्रॉपर नहीं है, कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, फ्लावर आ तो सकते हैं लेकिन फ्लावर प्लांट रिटेन नहीं करेगा, एबॉर्ट कर जाएगा, मतलब जो है फ्रूट जैसे ही उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फल जो है फूल जो है फल में कन्वर्ट होगा, उसको एबॉर्ट कर जाएगा, एबॉर्शन कर जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा, और जो है उसकी ड्रॉपिंग हो जाएगी, जो आप लोग जनरली देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो है फल फूल आपके यहाँ जो है गिरते हैं। अगर आप हेल्दी फ्रूट आपको चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट चाहिए, तो आपको जो है फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरान और जिंक, ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनको जो है ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होती है। ये बहुत ही क्रूशियल न्यूट्रिएंट है। अगर आप अगर आप रूट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि रूट्स आपका पेरेनियल ट्रीज में आपका रूट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर उनकी आप बात करते हैं तो आपको फास्फोरस, कैल्शियम, बोरान और जिंक, ये चार न्यूट्रिएंट हैं जो आपके रूट डेवलपमेंट के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, रूट वीगर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अलग अलग जो भाग हैं पौधे का, चाहे पत्तियां हैं, चाहे फ्लावरिंग है, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे रूट्स हैं, उनके लिए अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
और उनके बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल प्लांट के ऊपर रोल होते हैं। अगर हम बात करें फोलियर न्यूट्रिशन की, तो फोलियर न्यूट्रिशन भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोलियर न्यूट्रिशन है क्या। फोलियर न्यूट्रिशन हम उस चीज को बोलते हैं जब हम किसी भी न्यूट्रिएंट को हम पौधे के ऊपर पर्णी छिड़काव के द्वारा जो है उसको देने की मतलब दे के उसकी पूर्ति करते हैं। जब हम उसके पत्ते पे सीधे खाने को जो है छिड़क के देते हैं पानी के साथ, उसको हम फोलियर न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन फोलियर न्यूट्रिशन के जब हम बात करते हैं तो फोलियर न्यूट्रिशन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज राइट प्रोडक्ट। आप हर चीज को आप फोलियर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हर फर्टिलाइजर को हर केमिकल को आप फोलियर अप्लाई करेंगे तो आपको जो है चाहे पत्ते के गिरने की समस्या हो, चाहे फल के गिरने की समस्या हो, चाहे आपका फूल के गिरने की समस्या हो, चाहे आपका फल पे स्कॉर्चिंग और बर्निंग की प्रॉब्लम हो, या स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो, लीफ से स्कॉर्चिंग की प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या को आप फेस कर सकते हैं अगर आप राइट प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप फोलियर करते हैं तो फोलियर का मतलब है आप किसी भी चीज को पौधे का जो सबसे सेंसिटिव भाग है उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। और जब सेंसिटिव भाग पे हम अप्लाई करते हैं तो हमें सेफ्टी जो होती है प्रोडक्ट की, क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की, उसका जो है बहुत ही ज्यादा मूल्य बढ़ जाता है। दूसरी चीज है कि करेक्ट अमाउंट। आप किसी भी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए जमीन में आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, आप 1 किलो DAP की जगह आप 1.5 किलो DAP डाल देंगे, आपको इतना ज्यादा और इतनी जल्दी उसका जो है कोई नकारात्मक इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर फोलियर आप जब करने जा रहे हैं, फोलियर में अगर आप सही मात्रा उसकी जो है नहीं यूज करेंगे, अगर मान लीजिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको 250 ml आपको डालना है और आप 1 लीटर डाल देंगे, क्यों डाल देंगे, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया है। फार्मर जनरली कर देते हैं कि जब उनको रिजल्ट किसी प्रोडक्ट का ज्यादा अच्छा मिल जाता है तो वो जो है उसको उसकी ज्यादा मात्रा यूज कर लें। लेकिन फोलियर में ये बहुत ही ज्यादा जो है नुकसानदायक होता है। हमें करेक्ट अमाउंट जो है उसके ऊपर जो है हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी चीज है करेक्ट ग्रोथ स्टेजेस। जब आप फोलियर की बात करते हैं, जहां पे आप किसी पर्टिकुलर बेनिफिट को किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर देने की आपकी जरूरत होती है, वहां पे आप अगर आपकी ग्रोथ स्टेज राइट नहीं है तो आप फोलियर प्रोडक्ट का जो है जो बिल्कुल 100% बेस्ट बेनिफिट होता है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये तीन जो है बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। ये केवल न्यूट्रिशन में नहीं है, ये आप जो प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं उनके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट आप अप्लाई करें, उसकी जो डोजेस कंपनी निर्धारित करती है या गवर्नमेंट निर्धारित करती है, जो केवीके निर्धारित करते हैं, उन डोजेस को यूज करें और जो उनके लिए जो राइट डोजेस स्टेजेस हैं उन राइट स्टेजेस पर उनका अप्लीकेशन करें। अगर हम बात करें कौन कौन से जो है फर्टिलाइजर जो है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हम फोलियर अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जिसको हम फोलियर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन से लेके हम जिंक तक सारे न्यूट्रिएंट का हम फर्टिलाइजर फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट जो है फोलियर एप्लीकेशन के लिए मतलब सुटेबल हैं, हम किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो पर्टिकुलर नीड बेस होते हैं, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम अगर आप फ्रूट के ऊपर टारगेट करके स्प्रे करते हैं तो आप कैल्शियम का बेनिफिट फोलियर एप्लीकेशन करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, उसको आप कैल्शियम का फोलियर एप्लीकेशन करके पूरा कर देंगे, तो शायद कैल्शियम का फोलियर एप्लीकेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये प्लांट के अंदर इमोबाइल न्यूट्रिएंट होता है। तो आपको ये चीज समझने की जरूर आवश्यकता पड़ेगी कि किस न्यूट्रिएंट को हम किस पर्पस के लिए फोलियर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसका जो है बेस्ट यूज भी ले मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। फोलियर एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इसका बेनिफिट सबसे पहला बेनिफिट्स है कि आप कम मात्रा में आपको प्रयोग करना पड़ता है, जो जमीन में आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, फोलियर न्यूट्रिएंट जो है आप कम मात्रा में डाल के जो है प्लांट की जो है रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है कि आप जिस समय प्लांट को जरूरत है आप इमीडिएट उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, आप इमीडिएट उसको जो है न्यूट्रिएंट फोलियर तरीके से दे के उसकी जो तुरंत की रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। अगर दूसरी उसमें और इसका बेनिफिट देखें कि इसका एडवांटेज और क्या है, तो मेन चीज है अगर हम फोलियर न्यूट्रिशन करते हैं
तो जो जमीन की जो दशाएं हैं, आपका पीएच है, आपका मिट्टी का स्ट्रक्चर है, मिट्टी की जो और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, टेम्परेचर है, नमी है, इससे जो है हम अपने एप्लीकेशन को बचा ले जाते हैं। जब हम फोलियर एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा जो जमीन के जो इंट्रैक्शन है, पीएच का जो प्रभाव है, टेम्परेचर का जो प्रभाव है, मिट्टी का स्ट्रक्चर का प्रभाव है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का प्रभाव है, वो प्रभाव हमारे फर्टिलाइजर पर नहीं पड़ता है और प्लांट को जो है हम बिना इससे प्रभावित किए हुए अपने जो है जो न्यूट्रिएंट हम देना चाहते हैं उस न्यूट्रिएंट को हम प्लांट को दे सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है फोलियर न्यूट्रिशन का, कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हम जो है निर्भर नहीं रहते। मान लीजिए बारिश हो रही है कंटिन्यू, आप जमीन में फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते हैं। सूखा पड़ा हुआ है, आपका बारिश नहीं हो रही, जमीन में नमी नहीं है, आप जमीन में फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते हैं। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप जमीन में फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप जमीन में फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन प्लांट अगर जिंदा है, प्लांट अगर जमीन में खड़ा हुआ है, तो प्लांट की डे टू डे बेसिस पे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है और वो हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि अभी 15 दिन जो है गर्मी पड़ेगी, धूप काला है या बरसात हो रही है या ठंड पड़ रही है, हम 15 दिन बाद फर्टिलाइजर देंगे, तो वो 15 दिन जो है उस समय जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहेगी, जो कमी रहेगी, उससे आपका उत्पादन और आपकी क्वालिटी दोनों जो है प्रभावित होंगे। और यहाँ पे जो है आपका फोलियर न्यूट्रिशन जो है आपको सपोर्ट कर सकता है। जब भी आपको लगे कि आप किसी भी वातावरणीय दशाओं के कारण आप जमीन में खादों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या जमीन में अगर आप डालेंगे तो प्लांट उसका अपटेक नहीं कर सकता है, उस समय प्लांट के सर्वाइवल के लिए हमको फोलियर एप्लीकेशन करना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और भी है कि जब भी प्लांट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हो, तब भी हमको फोलियर न्यूट्रिशन उसके ऊपर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्लांट फ्लावरिंग के स्टेज में है, प्लांट फ्रूटिंग के स्टेज में है, तब भी हम फोलियर एप्लीकेशन, या प्लांट स्ट्रेस में है, आसपास बीमारियां बहुत फैल रही हैं, उस समय हम फोलियर एप्लीकेशन करके प्लांट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज है रेशनल इसका वही है कि आपका फोलियर फर्टिलाइजर कि आप सही समय पे, सही मात्रा में, सही जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको आप पूरा कर सकते हैं, जो वातावरणीय दशाएं होती हैं, जो सॉयल दशाएं होती हैं उस समय जो है उनसे आप जो है अपने फसल को बचा सकते हैं, और जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को आप मैक्सिमम जो है प्लांट को दे सकते हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो प्लांट को आप उसको पहुंचा सकते हैं। जो भी आप जमीन में डालने के बाद में जो नुकसान होते हैं, एफिशिएंसी कम होती है उससे, उसका आप जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट प्लांट को पहुंचा सकते हैं। अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो में फोलियर न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, तो इसमें कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये सीडलिंग ट्री है और इसका रूट सिस्टम जो होता है वो नीचे गहराई तक जाने वाला होता है, लेकिन फाइब्रस नहीं होता है इसका बहुत ज्यादा। जो है आसपास जो फाइब्रस रूट्स होती हैं इसका जो है प्लांट का जो है उस तरीके का रूट सिस्टम नहीं होता, और जब वो रूट सिस्टम नहीं होता है तो जो जमीन की जो ऊपरी सतह पे जहां पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो फीडर रूट्स होती हैं, वो कम होने की वजह से प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूट्रिएंट जमीन से प्लांट सपोर्ट नहीं ले पाता है, इसलिए उसको जो एक्स्ट्रा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए हम फोलियर न्यूट्रिशन जो है ऐसे ट्रीज के लिए रिकमेंडेड होता है और हमको करना चाहिए। सीडलिंग ट्रीज जो होती है इनका जो सूट ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होते हैं कंपीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और जो फ्रूट के अंदर न्यूट्रिएंट जाना चाहिए और जो आपका जो फोलियज के अंदर न्यूट्रिएंट होता है उस कंडीशन के लिए भी, उस लेवल पे भी जो वहां पे कंपटीशन होता है, मैक्सिमम फोलियज होता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट का कंजप्शन आपका फोलियज के अंदर ज्यादा हो जाता है और फ्रूट्स के अंदर जो है न्यूट्रिएंट का जो सही प्रोपोर्शन जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। स्पेशली जब हम बात करें जो न्यूट्रिएंट जैसे कैल्शियम हो गया, जिसके बारे में मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड पे बताया था, तो वहां पे क्या है, अगर कैल्शियम आप जमीन से डालते रहेंगे तो कैल्शियम प्लांट के अंदर इमोबाइल होने की वजह से कैल्शियम प्लांट पानी के साथ अपने अंदर अपटेक करता है, और जहां जहां वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है वहां वहां कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेटर अवस्था में जब हमारा फोलियज ज्यादा होता है, पत्तियां जो है आपकी डायरेक्ट सनलाइट में होती है, तो पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है, पानी की जो वाष्पित होने का जो दर होती है वो
ज्यादा होती है फल की तुलना में। तो जो भी कैल्शियम जमीन से पौधा लेता है उसका मैक्सिमम भाग जो है वो पत्तियों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और फल जो होता है हमारा कैल्शियम के लिए डेफिशिएंट हो जाता है। और इसीलिए आप कभी कभी आप देखते होंगे कि जमीन में आप कैल्शियम डालते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका कैल्शियम का जो बेनिफिट फ्रूट के ऊपर मिलना चाहिए वो फ्रूट के ऊपर उसका बेनिफिट आपको पूरा नहीं दिखता। उसके अंदर पील डिसऑर्डर्स आते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज की प्रॉब्लम आती है, आपका आपका जो कह लीजिए कि उसकी शेल्फ लाइफ होती वो प्रॉपर नहीं आती, साइनिंग उसकी प्रॉपर नहीं आती, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे हमको कैल्शियम फोलियर जो है साथ में सॉयल के साथ हमको कैल्शियम फोलियर सपोर्ट अगर हम करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज कह रही थी कि हम ये जो ट्रीज होते हैं इनमें हम प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग में क्या होता है जो हमारे जो ऐसे भाग जिनको हम काट के फेंक देते हैं उसमें न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा भाग जो है वो वेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए भी जो है हम जो विग्रस हमारे ट्रीज होते हैं, सीडलिंग ट्रीज होते हैं, आम के जैसे ट्रीज होते हैं, पेरिनियल ट्रीज होते हैं, इसमें हम फोलियर न्यूट्रिशन से इसको हम सपोर्ट करते हैं। क्या क्या की स्टेजेस हैं इसमें आपका मैंगो में? तो आपका बड ब्रेक एंड शूट ग्रोथ है, जब हम आपकी जो है आपका शुरुआती में आपका जब बड ब्रेक होता है और जब आपका जो शुरुआत में जो आपकी पत्तियां आती हैं, ब्रांचेज आती हैं, जब शुरुआत वाली ग्रोथ होती है और आपके इस समय जो है आपके जो मैक्सिमम जो बेसिक जो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वास्तव में इस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैग्नीशियम, जिंक और बोरान होते हैं। और अगर इन न्यूट्रिएंट की वहां पे सही मात्रा प्लांट के अंदर उपलब्ध नहीं होती है तो हमारा बड ब्रेक या हमारा जो शूट ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती है, जिससे हमारा जो फ्लावरिंग होती है या फ्रूटिंग होती है वो इंपैक्टेड होती है, उसके बाद में वो क्वालिटी इंपैक्ट होती है। अब यहाँ पे मेन चीज है कि हम जब अगस्त सितंबर में या जब भी हम जो है फर्टिलाइजर का अप्लीकेशन करते हैं मैक्सिमम हमारे जो फार्मर्स हैं वो यूरिया, डीएपी, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या एनपी केस का जो है प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम केसेस में उस समय जो है मैग्नीशियम का या जिंक का या बोरान का अप्लीकेशन नहीं होता है। वो दिमाग में क्या रहता है कि जब फ्लावरिंग आएगी तो उस समय हम बोरान का अप्लीकेशन करेंगे या जब फ्रूट सेट होने लगेगा, फ्लावरिंग आने लगेगी तब हम जिंक का अप्लीकेशन करेंगे। लेकिन प्लांट की जिंक और मैग्नीशियम और बोरान की रिक्वायरमेंट वो कब है? जब उसमें बड ब्रेक होता है, जब उसमें इनिशियल शूट ग्रोथ होती है, लीफ ग्रोथ, लीफ बनना, ब्रांचेज बनना चालू होती, उस समय उसकी होती है। और इसके लिए जो है अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि अगर आपको इनिशियल जो जिंक, मैग्नीशियम और इसके लिए जो है मतलब अगर आपको ये मैग्नीशियम का क्वांटिटी जो है प्लांट के अंदर स्टोर करना है तो जब आपकी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग के बाद में जो है इमीडिएट बाद आपको जिंक, बोरान और मैग्नीशियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लांट के ऊपर यूज करने चाहिए। अगर आप उनको वहां पे यूज करते हैं प्लांट उनको स्टोर करेगा और जब अगले साल का जब आपका फ्लश आएगा, जब आपका फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तो वहां पे जो जिंक, बोरान या मैग्नीशियम की जरूरत है उसको वो पूरा कर पाएगा। और इसके लिए जो है यारा के जो प्रोडक्ट, यारा क्या रिकमेंड करती है जिंक के लिए? जिंक यारा वीटा जिंट्रेक जो आपका 39.5% कंसंट्रेशन का जिंक प्रोडक्ट है, बोरान जो आपका याराविटा बोट्रेक जो आपका जो है 11% जो है लिक्विड बोरान का प्रोडक्ट है, और याराविटा बड बिल्डर, इसका नाम ही बड बिल्डर है, बड को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज होता है, इसमें आपका 24% मैग्नीशियम है, 10% आपका जिंक है और आपका 3% बोरान है। तो ये प्रोडक्ट जो है आपका पोस्ट हार्वेस्ट अप्लीकेशन पे यारा के रिकमेंडेशन है। अगर आप इनको डालते हैं तो जो अर्ली स्टेज में जो मैग्नीशियम, जिंक और बोरान की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप पूरा कर पाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पे और भी आपको बताऊंगा कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, यारा आपकी जो है मल्टीनेशनल कंपनी, यूरोपियन कंपनी है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्वालिटी और प्योरिटी के ऊपर जो है बिल्कुल वही स्टैंडर्ड रखते हैं जो आपको यूरोप में अपने फ्रूट को भेजने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए। इसके अंदर आपको कोई हैवी मेटल कॉन्टेंट्स, कोई इम्प्योरिटीज, किसी भी तरीके की जो है आपको प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखेगी। तो ये वर्ल्ड लेवल के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हाई कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हैं, काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं और आपको जो है फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हैं। इनके साथ आपको कोई स्टिकर, स्प्रेडर कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, सारे इसके अंदर मिले हुए हैं। आपको केवल इसको पानी में डालना है 1 से 1.5 ml/L इसके हिसाब से और आपको इसका अप्लीकेशन कर देना है। तो अगर आप करते हैं
तो जो शुरुआत की जो स्टार्टिंग की जो आवश्यकता है आपका जिंक मैग्नीज मैग्नीशियम और बोरान की, उसको आप पूरा कर पाएंगे। उसके बाद में जो फ्लावर इंडक्शन की मैंने बात करी, फ्लावर इंडक्शन एक और ये भी बहुत बड़ी समस्या रहती है कि फ्लावर का जो है प्रॉपर जो है फ्लावर इनिशिएशन नहीं होता है। यहाँ पे भी जो है आपका बहुत सारे रीजन्स इसके रहते हैं, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा इसमें जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है मैंने कलेक्ट करने की जो है कोशिश करी है। और यहाँ पे बेसिकली जो है एप्लीकेशन जो है आपका कह लीजिए कि अगर जो नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, इनके एप्लीकेशन जो है आपका फर्टिलाइजर जो आपका फ्लावर इंडक्शन है उनमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि जो फ्लावर इंडक्शन को जो इम्प्रूव करने के लिए, वो आपका वाटर स्ट्रेस है थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक मल्च ड्रेनेज एंड जो इसके थ्रू जो वाटर स्ट्रेस देते हैं, वाटर स्ट्रेस देने से क्या, तो जो एनर्जी होती है उसका जो है डाइवर्जन हो जाता है। आपका एप्लीकेशन आप जो ग्रोथ रिटार्डेंट्स हैं उनको जो भी लोग यूज करते हैं, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्पेशली जो फोलियर स्प्रे हैं जो नाइट्रेट्स के, उनको करके जो है मैंगो के अंदर जो आपका कह लीजिए कि जो फ्लावर का इंडक्शन इंड्यूस करने की जो आपकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो है बाहर के जो देश है वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं, तो ये लेकिन टाइम की जो है शॉर्टेज है, ऑलरेडी जो है मैं ओवर टाइम हूँ। ये प्रैक्टिसेस हैं जो आपका जो फ्लावर इंडक्शन जो ब्राजील जैसे देश में जो फ्लावर इंडक्शन करने के लिए यूज करते हैं कि प्रोडक्शन हैपेंस ड्यूरिंग द होल ईयर, हाई इंटरेस्ट आप फॉर द दिस प्रोडक्टिव एरियाज, कोल्ड वेदर एंड हाइड्रिक स्ट्रेस। जो आपका हाइड्रिक स्ट्रेस मतलब जहाँ पे ट्रांसपिरेशन आपका जो है मतलब कम हो ज़्यादा होता है, और वहाँ पे आपका जो है ट्रांसपिरेशन के हिसाब से जो है आप वाटर का पौधे के अंदर सप्लाई नहीं करते, तो उससे जो है आप अगर वो स्ट्रेस देते हैं तो उससे भी जो इंड्यूस मतलब जो है ब्रांचिंग जो ब्रांचिंग न्यू ब्रांचिंग इंड्यूस होती है। इरिगेशन मैनेजमेंट करते हैं वो, आपका अगेन जो ग्रोथ रिटार्डेंट हैं जैसे आपका पेकोलोब्यूटाजोल इसका एप्लीकेशन करते हैं, नाइट्रेट बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं कैल्शियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट इनका एप्लीकेशन करके फोलियर जो फ्लावर इंडक्शन है इसको जो है इनिशिएट करते हैं इम्प्रूव करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का 2-4% जो स्प्रे वॉल्यूम जो इसको यूज करते हैं, कैल्शिनेट का 1.5-2% का जो है कंसंट्रेशन का स्प्रे करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का 1-1.5% का। तो डिफरेंट अगर पोटेशियम नाइट्रेट का करेंगे तो कैल्शिनेट का नहीं करेंगे, कैल्शिनेट का करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पोटेशियम नाइट्रेट का करेंगे तो 2-4% कंसंट्रेशन रखते हैं, कैल्शिनेट का करेंगे तो 1.5-2% कंसंट्रेशन रखते हैं। तो अलग अलग जो है मतलब ये ट्रीटमेंट हैं जिनके द्वारा जो है वो फार्मर जो है वहाँ पे अपने फ्लावर इंडक्शन को जो है इम्प्रूव करने में इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। आपका जो अर्ली फ्रूट सेट एंड फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है, जो सेल डिवीजन जहाँ पे जो इनिशियल मतलब वो है स्टेजेस, यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है आपका बोरान की रिकमेंडेशन है, क्योंकि उस समय आपका फ्रूट सेटिंग होती है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है। अगर वहाँ पे प्रॉपर बोरान आपका नहीं रहेगा तो आपका जो फ्लावर ड्रॉपिंग या आपका जो फ्रूट डिफॉर्मिटी होती है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे जो है बोरान की रिकमेंडेशंस हैं। आपका अर्ली स्टेज में जब आपका फ्रूट सेट होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है, उस समय आपका बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होती है, जो प्लांट वास्तव में जमीन से फास्फोरस को सही तरीके से सही मात्रा में अपटेक नहीं कर पाता, तो वहाँ पे जो उसके लिए जो है याराबीटा सेनीफास जो आपका लिक्विड फास्फोरस का प्रोडक्ट है इसका रिकमेंडेशंस हैं। और आपका जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट प्लांट की बढ़ने लगती है अपनी फ्रूट क्वालिटी बढ़ाने के लिए और उसके अंदर जो सेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, उसके पी डिसऑर्डर्स मिनिमाइज करने के लिए, तो उसके लिए जो याराबीटा स्टॉपिट है हमारा जो लिक्विड कैल्शियम का प्रोडक्ट है इसकी रिकमेंडेशंस हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे जो प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस हैं, क्या उनके जो रोल हैं। आपका जो फ्रूट इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है जब उसकी जो रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की रहती है, आपका पोटास की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती, तो वहाँ पे अगर हम फोलियर शेड्यूल की बात करें तो आपका जो है 11 जो आपका डेल्टा स्प्रे जो आपका हमारा 14-5-29 का ग्रेड है, जिसमें आपका मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं, तो इसकी रिकमेंडेशंस हैं वहाँ पे। तो इससे अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे फार्मर अगर यूज करते हैं तो जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, पोटास की रिक्वायरमेंट है, जो थोड़ी सी फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है या जो दूसरे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, और जो बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट कैल्शियम की प्लांट की रहती है उसके लिए जो याराबीटा स्टॉपिट है इसका जो है 5 ml/L पानी के हिसाब से इसकी रिकमेंडेशंस है। तो ये
मतलब जो है अलग अलग स्टेजेस पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट हैं और वहां पे यारा क्या रिकमेंड करती है, इसका जो है इसकी रिकमेंडेशंस हैं। ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट है, ये पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था, जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो जो अगले साल का जो आपका बड ब्रेक की जो स्टेज आती है, जहां पे आपका मैग्नीशियम, बोरान और जिंक, ये तीन क्रिटिकल न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इनकी न्यूट्रिएंट का जो रिजर्व मेंटेन करने के लिए प्लांट जो प्लांट के ऊपर जो है ये जिंक और बोरान और मैग्नीशियम का स्प्रे करने के लिए सप्लाई करने के लिए जो है ये याराविटा जिंट्रैक, याराविटा बोट्रैक और याराविटा बड बिल्डर जो है इनकी जो है रिकमेंडेशंस हैं। तो ये अलग अलग जो स्टेजेज हैं वहां पे जो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है मैंगो में उनके हिसाब से ये रिकमेंडेशंस हैं, और इसके हिसाब से अगर फार्मर इनको प्रयोग करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे जो न्यूट्रिएंट हैं, कि आपका फ्रूट सेट फ्रूट इनलार्जमेंट है, आपका बोरान फास्फोरस के लिए सेनीफास, आपका कैल्शियम के लिए स्टॉपिट, या आपका जो फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है वहां पे आपका डेल्टा स्प्रे 14-5-29 याराविटा स्टॉपिट, या आपका हार्वेस्टिंग के बाद, तो जो बेहतर क्वालिटी है उसको भी वो मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो बेहतर प्रोडक्शन पोटेंशियल है उसको भी बना सकते हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं मेनली उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, और ओवरऑल जो अपना जो मैनेजमेंट है उसको सुधार सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो टाइम की लिमिटेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि ऑलरेडी 10-15 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए, और तो ये बेसिकली मतलब जो शॉर्ट में मैं इतने मतलब लिमिटेड समय में जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता था वो मैंने शेयर करी, और इसके बावजूद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है या इनके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई और भी क्वेश्चन अगर हैं जो मैं आंसर दे सकता हूँ तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कोई जो क्वेश्चन है उनको मैं सही आंसर दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपिन सर। आपको Q&A का टैब दिख रहा है, पार्टिसिपेशन के बाजू में है, सॉरी QA टैब करके आपको दिख रहा है वहां पे स्क्रीन पे, स्क्रीन स्टॉप कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर मिश्रा जी क्वेश्चन एंड आंसर का जो टैब है वहां पे देखिए। हाँ पार्टिस हाँ बराबर। ओके ये क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट डोजेस फॉर मैंगो इन कोंकण रीजन, कि कोंकण रीजन में जो है मैंगो की डोजेस क्या होनी चाहिए और कास्ट ऑफ न्यूट्रिएंट पर हेक्टेयर। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने, मैं आपसे एक चीज, इनका जो विकास जी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको विकास जी बताना चाहूंगा कि पिछले दो साल पहले जो है हम लोगों ने कोंकण एरिया में काफ़ी मैंगो के ऊपर जो है हमने स्टडी करी थी, वहाँ की सॉयल के सॉयल का स्टेटस क्या है, आप लोग कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं, बेसिक चैलेंजेस वहाँ पे क्या हैं, और उसके बेसिस पे हमने एक शेड्यूल डेवलप किया था कि वहाँ के जो हमारा ऑन एंड एवरेज फार्मर है उसके लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो वो शेड्यूल ऑलरेडी है और मैं अपनी जो टीम है उससे मैं आपका जो है मतलब कोशिश करूंगा, इसमें उनको मैं बोलूंगा कि वो आपके पास तक वो शेड्यूल पहुंचाएं जिससे वो आपको जो है शेड्यूल मिले, और उसमें जो है अगर आप इसकी बात करें कि उसमें कितना खर्चा आता है तो ये एग्जैक्ट मैं इस समय नहीं बता सकता हूं कि उसका कितना कैलकुलेटेड कास्ट है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उससे 10-15% उसकी कास्ट में जो है वेरिएशंस है, कि आप जो कर रहे हैं अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का खर्चा कर रहे हैं तो अगर वो दूसरी जो हम लोग उसमें प्रोग्राम डेवलप किया है उसका खर्चा जो है 115-120 इस तरीके से होगा, या 80 मतलब 10-15% ऊपर नीचे जो है उसमें खर्चा आएगा, ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो हम जो शेड्यूल रिकमेंड कर रहे हैं उसका खर्चा जो है वो 100 रुपए आ जाएगा, इस तरीके से उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट वो शेड्यूल क्या है वो मैं अपनी टीम से मतलब बात करके वो आपके पास तो मैं शेड्यूल पहुंचाऊंगा, जो कुलकर्णी साहब हमारे पास जुड़े हुए हैं उनको मैं वो शेड्यूल उपलब्ध करा दूंगा और उसके बाद में जो है वो आपके पास तक वो शेड्यूल पहुंच जाएगा। एक और है कि प्रशांत जी का क्वेश्चन कि अच्छी इंफॉर्मेशन है, इट विल बी वंडरफुल इफ यू कैन शेयर द न्यूट्रिशन स्लाइड, इट विल बी
ग्रेट इफ यू कैन शेयर द शेड्यूल। ओके, तो पारस जी मैं आपका जो है ये वैसे ये इंफॉर्मेशन जो स्लाइड हमने प्रेजेंट करी है ये पूरी स्लाइड मैंने ऑलरेडी जो है शेयर कर रखी है प्रकाश जी से, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी कि जो भी न्यूट्रिशन स्लाइड मैंने प्रेजेंट करी है वो मिल जाएंगी। और आपने जो ये नाम जी ये जो अभी कार्यक्रम चालू है ये फेसबुक वीडियो पे चालू है, ये फेसबुक वीडियो हम ये ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, डोंट वरी। ये हमने आपकी जो है ये आपकी हमने वो आईडी नोट कर ली है और नंबर नोट कर लिया, और हम आपको जो है ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है हम आपको इस पे शेयर कर देंगे, आपने रिक्वेस्ट करी है हम आपको जरूर भेज देंगे। एक क्वेश्चन और है मैंगो, इसमें मैंगो में बार बार रिपीट फ्लावरिंग होती है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रिपीट फ्लावरिंग होती है, मैंने आपको इसमें मैंने जब हमने की चैलेंजेस की बात करी थी तो उसमें हमने मैंने मैं इसमें मेरा पॉइंट मैंने कवर किया था कि हम इनसिंक्रोनाइज फ्लावरिंग की बात उसमें रहती है कि बहुत ज़्यादा जो है सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग नहीं होती कि एक बार फ्लावरिंग आ गई और फ्लावरिंग से जो है उसका फ्रूट सेटिंग हो गई, ये मैंगो में इस तरीके से रहती है। और ये बेसिकली जो है जो हमारा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रहती हैं आपका इरीगेशन का जो मैनेजमेंट रहता है या आपका जो न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट रहता है या आप जो प्रूनिंग करते हैं इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको जो है प्लांट के ऊपर दिखाई देती है। अगर आप अपने प्रूनिंग को इम्प्रूव करते हैं जिससे जो डिजायर्ड जो एनर्जी है वो जहाँ पे जो आप कह लीजिए कि जो आपकी प्रोडक्टिव ब्रांचेज हैं वहीं पे रहनी चाहिए, आप उसको जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिस तरीके से शेड्यूल है या जिस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस पे न्यूट्रिएंट उसको प्लांट को लगता है अगर वो करते हैं तो आप, या इरिगेशन जो है उसको आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये जो इश्यूज हैं इनको आप कम कर सकते हैं, इनको आप खत्म कर सकते हैं। स्पॉन्जी टिश्यूज रेजिन करने मेजर प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टेशन, अगेन आपका जो सचिन जी क्वेश्चन है स्पॉन्जी टिश्यूज या आपका जो पी डिसऑर्डर्स आपकी जो क्रैकिंग की प्रॉब्लम या आपका जो सेल्फ लाइफ की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, बेसिकली आपका जो है न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग पे सबसे पहला चीज है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर नाइट्रोजन आप बहुत ज्यादा एक्सेस डालेंगे तो उससे क्या है, एक तो नाइट्रोजन इटसेल्फ जो है ये प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। दूसरी चीज है नाइट्रोजन जो दूसरे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो आप या तो कम डालते हैं और जमीन में उतनी मतलब वो उपलब्ध मतलब उतने रहते भी नहीं है और आप डालते भी कम है, जैसे आपका कैल्शियम हो गया पोटेशियम हो गया, तो इनके अपटेक को भी वो रोक देता है कम कर देता है जिससे समस्याएं बढ़ती हैं। तो एक तो नाइट्रोजन मैनेजमेंट का आपको प्रॉपर तरीके सही तरीके से करना पड़ेगा और दूसरी चीज है आपको पोटास बोरान और कैल्शियम इनका जो है मैनेजमेंट जो है वो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा प्लांट के ऊपर। उसके लिए सही तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी रिकमेंडेशंस हैं ऑलरेडी जो है रिकमेंडेशन डिजाइन है कि आपको कब कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर जमीन में डालने हैं, कब किस स्टेज में किस तरीके से आपको फोलियर अप्लीकेशन करना है, तो वो शेड्यूल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उस हिसाब से अगर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं तो आप जो है स्पॉन्जी टिश्यूज पी डिसऑर्डर्स या जो अदर जो दूसरे आपके इश्यूज हैं क्वालिटी इश्यूज हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं और उनपे जो है उनको ये मतलब इम्प्रूव उसमें इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। क्वेश्चंस हो गए सर, कंस्ट्रक्टर सर व्हाट ऑफ सेंस करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर विपिन मिश्रा जी, आपण खूपच चांगले मार्गदर्शन केला जे निर्यातक्षम आंबा उत्पादनासाठी आणि विशेषतः वेगवेगळ्या स्टेजेसला आणि पर्टिक्युलरली फोलियर ऍप्लिकेशन हा जो भाग आहे त्याच्यातला त्याच्यासाठी सर्व बागायतदारांना शेतकऱ्यांना उपयुक्त अशी माहिती होती, धन्यवाद। या का आजच्या या दिवसाचा आता कार्यक्रम संपलेला आहे, तत्पूर्वी आभार प्रदर्शन मानण्यासाठी माझे सहकारी प्राध्यापक बाळकृष्ण गावडे हे इथे उपस्थित आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे। नमस्कार, निर्यातक्षम आंबा उत्पादनाच्या वेबिनार मध्ये आज हा तिसरा दिवस होता आणि या तिसऱ्या दिवसामध्ये यारा फर्टिलायझर्स प्रायव्हेट गावडे साहेब तुमचा चेहरा दिसत नाही,
नमस्कार. निर्यातक्षम आंबा उत्पादनाच्या वेबिनार मध्ये आजचा हा तिसरा दिवस होता आणि या तिसऱ्या दिवसामध्ये यारा इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे महाव्यवस्थापक सन्माननीय डॉक्टर विपिन मिश्रा सर यांनी निर्यातक्षम आंबा उत्पादनाद्वारे फवारणीद्वारे पीक पोषण या विषयी अतिशय उत्कृष्टपणे विवेचन केलेलं आहे. कारण आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांमध्ये शक्यतो खतांचं व्यवस्थापन एनपीकेशीच मर्यादित असायचं आणि या आंबा पिकांमध्ये उत्पादन चांगल्या प्रतीचं आणि जास्त घेण्यासाठी या ज्या सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहेत त्यांचा आपण फळदणी कसा योग्य पद्धतीने उपयोग करून उत्पादन वाढवू शकतो आणि निर्यातक्षम आंबा उत्पादन घेऊ शकतो याचा अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन डॉक्टर विपिन मिश्रा सरांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांच्या या अभ्यासपूर्ण विवेचनाबद्दल मी त्यांचं कृषी विज्ञान केंद्र त्याचबरोबर किसान शिक्षा अभियानाच्या वतीने आभार मानतो. त्यांना धन्यवाद देतो की आमच्या शेतकऱ्यांपर्यंत शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थी या सहभागमध्ये विज्ञानामध्ये सहभाग झाले सर्वांना अतिशय उपयुक्त त्यांनी माहिती दिली. त्याचबरोबर ज्यांच्या मार्गदर्शनाने आणि समन्वयाने हा वेबिनार चालू आहे ते सन्माननीय उद्यानश्री प्रकाश कुलकर्णी सर यांचं सुद्धा मी आभार मानतो. कारण त्यांच्यामुळेच हा योग्य वेळी म्हणजे आंबा सीझन सुरू होताना योग्य वेळी हा वेबिनार घडतोय त्याबद्दल त्यांचे आभार. त्याचबरोबर किसान शिक्षा अभियानाची जी पूर्ण टीम आहे ज्यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाने सहयोगाने हा वेबिनार घडवला जातोय त्याबद्दल त्यांच्याही टीमचे मी आभार मानतो. त्याचबरोबर आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे आपले वरिष्ठ शास्त्रज्ञ प्रमुख सन्माननीय श्री भास्कर काजरेकर सर यांनी सुद्धा याच्यामध्ये योगदान दिलेलं आहे आणि सगळ्या टीमच्या सहकार्याने हा वेबिनार त्यांनी आयोजित केलेला आहे त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर यामध्ये सहभागी झालेले शेतकरी आहेत शास्त्रज्ञ आहेत आणि सर्व जे सहकारी आहेत त्यांचा एकदा आभार मानतो आणि आजचा हा दिवस संपला असं मी आयोजकांचे जय करतो. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. उद्याच्या कार्यक्रमाबद्दल बोला ना. कार्यक्रम आता उद्याचा शेवटचा दिवस आहे. आपले तीन दिवस अतिशय चांगल्या पद्धतीने सगळ्या एक्सपर्ट्सनी इथे मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि लोकांनी सुद्धा त्याचा चांगला लाभ घेतलेला कारण प्रश्न सुद्धा चांगले येत आहेत. तर उद्या शेवटच्या दिवशी हा निर्यातक्षम आंबा उत्पादनामध्ये जो टॉपिक आहे तो आहे निर्यातक्षम आंबा उत्पादनासाठी औषधांचे अवशेष समस्या आणि कीड व रोग व्यवस्थापन. हा एक अतिशय महत्वाचा टॉपिक आहे कारण ज्यावेळी निर्यातीचा विचार करतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये असणारे रेसिड्यूज असतील किंवा त्याच्या आधी जे कीड रोग संरक्षण करायचं आहे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स घ्यायचे त्याबद्दल खूप मार्गदर्शन आवश्यक असतं आणि ते काटेकोरपणे त्याची शेड्यूल्स पाळली जावीत अशी अपेक्षा असते. आणि त्याच्यासाठी माननीय श्री लोकेश कुमार कडू हे बायर क्रॉप सायन्स लिमिटेडचे एक एक्सपर्ट आहेत ते आपल्याला उद्या मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी मी सर्वांना विनंती करतो की आज जसा तुम्ही ह्या गेले तीन दिवस ह्या वेबिनारचा लाभ घेत आहे तसंच उद्या शेवटच्या दिवशी सुद्धा ह्या वेबिनारला जोडून ह्याचा लाभ घ्यावा जेणेकरून पुढची आपली आंब्याची शेती पुढचा हा जो सीझन आहे त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन आपल्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीचं उत्पादन आपल्या बागेमध्ये काढून ते निर्यात करण्याच्या दृष्टीने त्याच्यामध्ये भरघोस अशी वाढ करता येईल या दृष्टीने ह्याचा लाभ घ्यावा अशी मी विनंती करतो आणि हा कार्यक्रम संपल्याचं जाहीर करतो. धन्यवाद. 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 धन्यवाद सर.